बिना मुर्गे के अंडा कैसे? असल में मुर्गियों का शरीर 24 से 27 घंटे में एक अंडा अपने आप ही बना देता है, फिर चाहे वो किसी मुर्गे के संपर्क में आए या नहीं। मुर्गी के शरीर में अंडा बनने के लिए उसके शरीर में दो मेन पार्ट होते हैं, जिसे ओवरी यानी अंडाशय और ओविडिक जिसमें खुद कई सारे पार्ट्स होते हैं। ओवरी वो पार्ट होता है जहाँ जर्दी बनती है। यहाँ इस जर्दी के बनने के लिए कई छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जिनके अंदर जर्दी का जो पीला मटेरियल होता है वो मुर्गी के लीवर से इस सेल्स के अंदर अपने आप ट्रांसफर होता रहता है। जैसे जैसे इन सेल्स में इस मटेरियल की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये बड़ा होता जाता है, और एक निश्चित आकार में पहुंचने के बाद ये जर्दी यानी योक ओवरी से रिलीज हो जाती है और ओविडक के अंदर पहुंच जाती है, और यहां से शुरू हो जाती है एक अंडा बनने की प्रोसेस। ओवरी से निकलने के बाद सबसे पहले ये ओविडक के इन्फंडिबुलम पार्ट में पहुंचती है। इन्फंडिबुलम के अंदर यह जर्दी लगभग 15 मिनट तक रुकती है, और गाइस यही वो जगह होती है जहां किसी मुर्गे का काम शुरू होता है। यानी अगर अंडा फर्टिलाइज मतलब ऐसा होता है जिससे चूजा बाहर निकले, तो यही हो सकता है इन्हीं 15 मिनटों के अंदर। जिसका मतलब यही हुआ कि बिना मुर्गे के मुर्गियां अंडा तो रोज दे सकती हैं, लेकिन वो फर्टिलाइज नहीं होते, मतलब कि उनसे चूजा नहीं निकल सकता। इसके बाद ये योक मैग्नम पार्ट में पहुंचती है, जहां ये लगभग 3 घंटे तक रुकती है। ये वो जगह है जहां अंडे के ऊपर एल्ब्यूमेन यानी अंडे की सफेदी चढ़ती है। यहाँ से निकलकर ये इसमिस पार्ट में पहुंचती है, जहाँ इस पर शेल्स मेम्ब्रेन्स यानी अंडे के ऊपर की झिल्ली चढ़ती है। यहाँ योक लगभग 75 मिनट तक रुकती है। अब सबसे आखिर में अंडा शेल्स ग्लैंड में पहुंचता है, जहाँ पर अंडे का सबसे आखिरी और सबसे ऊपर का भाग शेल्स यानी कि इसके ऊपर का छिलका चढ़ता है। अंडे की बनने की प्रोसेस में अंडा सबसे ज्यादा इसी जगह पर रुकता है। यहाँ इस पर छिलका पूरी तरह से चढ़ने में लगभग 20 घंटे का समय लगता है। इसी जगह अंडे के ऊपर चढ़ने वाले छिलके का रंग भी डिसाइड होता है। अगर अंडा ब्राउन या व्हाइट कलर का बनता है तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि इसके शेल्स के बनते समय ऐसे पिगमेंट्स इसमें ऐड हुए थे, और इसका मतलब यह है कि ब्राउन हो या व्हाइट दोनों अंडे की बनने की प्रोसेस सेम ही होती है। यहाँ से निकलने के बाद अंडा सीधे वजाइना में पहुंचता है, जो मुर्गी की बॉडी से अंडे को बाहर निकालने के लिए पुश करती है। अगर अंडे के बाहर निकलने में देरी हो जाती है तो ये इसके मल के संपर्क में आ जाता है, जिससे कभी कभी अंडे के ऊपर इसके मल को भी आप देखते होंगे। इस प्रोसेस में ये बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ ये प्रोसेस 24 से 27 घंटों में सिर्फ एक ही बार हो सकती है, और यहाँ एक बार में केवल एक ही सेल्स इसमें पार्टिसिपेट कर पाता है। अगर किसी कारणवश ओवरी से दो सेल्स भी रिलीज हो जाते हैं तो इससे दो अंडे नहीं बनते, बल्कि ऐसे में एक ही अंडे में आपको दो जर्दियाँ दिखाई देती हैं। ये क्रम एक स्वस्थ मुर्गी के अंदर लगभग 10 से 12 महीने तक ऐसे ही चलता रहता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बिना मुर्गे के मुर्गियां अंडा देती हैं, क्योंकि उनके अंडाशय में पहले से ही कई सेल्स होते हैं जो कि हर 24 से 27 घंटे में अपने आप ही अंडा बनने के लिए अंडाशय से रिलीज होते रहते हैं। इसका मतलब अगर मुर्गी सिर्फ दाना पानी भी खाएगी तो अंडा तो वो फिर भी देगी, क्योंकि इस पर उसका खुद का भी कोई जोर नहीं चलता है, लेकिन इससे कभी बच्चा नहीं निकलेगा। और यही वजह है कि बाजार से लाए गए अंडे आप कितने दिनों तक भी घर पर रख लीजिए, वो खराब हो सकते हैं लेकिन उनमें से बच्चे नहीं निकलते। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और इससे आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग लेकर।